जी हाँ, एबीपी न्यूज बिल्कुल तैयार है, हमारा न्यूज रूम बिल्कुल सजा हुआ है और वैसा ही कुछ है बर्मिंघम के मैदान पे भी। सबकी निगाहें हैं भारत और पाकिस्तान। इस महाकवरेज पे मैं हूँ जीएसवे एक, मेरे साथ हैं यहाँ पर संदीप पाटिल और बर्मिंघम से हमारे साथ हैं जगविंदर पटियाल और संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती। लेकिन सबसे पहले इस मैच से जुड़ी सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए चलते हैं अमन के पास। जी हाँ, 20 घंटे का इंतजार है क्योंकि 20 घंटे बाद इंतजार की घड़ियां खत्म होगी और होगी महाटक्कर। भारत बनाम पाकिस्तान एक हाई वोल्टेज मुकाबला दोपहर 3 बजे कल खेला जाएगा बर्मिंघम में। अब तक की बड़ी बातें आपको बता दें कल दोपहर 3 बजे से बर्मिंघम में यह महामुकाबला शुरू होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे बड़ा मुकाबला, बड़ी टक्कर। कल के मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है, यह कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है, इस वजह से टॉस बहुत अहम होगा। बर्मिंघम में कल भी बारिश हुई थी, इस वजह से टॉस जीतना अहम होगा। जिस भी टीम टॉस जीती है वो उसके पक्ष में जा सकता है। पिछले साल T20 में दोनों देशों की आखिरी टक्कर हुई थी, अब तक का इतिहास क्या रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। पिछले साल T20 में टक्कर हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान 3 बार आपस में भिड़ चुके हैं, अब तक 3 बार आपस में भिड़ चुके हैं, कल चौथी बार टक्कर होने जा रही है। 2004 2009 में पाकिस्तान भारत को हरा चुका है, लेकिन 2013 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन टीम बनी थी भारत, इंडियन क्रिकेट टीम, जिसके एक बार फिर से कल टक्कर होने जा रही है। वनडे में आपको बता दें अब तक कुल 127 बार भिड़ चुके हैं, 51 बार भारत जीता है। अब तक भारत और पाकिस्तान की जितनी टक्कर हो चुकी है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब 20 घंटे का इंतजार बाकी है और इंतजार खत्म होने वाला है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोच कुंबले और विराट कोहली के बीच अनबन की खबरें थी, इस पर अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई विराट कोहली की तरफ से, उनसे सवाल इस पर पूछा गया, उन्होंने कहा कि कोई अनबन नहीं है। और अब यह भी खबर है कि मैच से पहले पिच का मुआयना दोनों ने मिलकर किया है। कप्तान कोहली ने भी कहा कि कोच कुंबले से कोई मतभेद नहीं है, असहमति को अनबन का नाम देना ठीक नहीं है, अटकलें लगाई जा रही है मीडिया में, कोई अनबन नहीं है। Things being written by people without actually being a part of the change room, you know, which is very strange. There are no problems. कोई अनबन नहीं है, जितनी भी अनबन की अटकलें लगाई जा रही हैं वो सब निराधार हैं बातें, असहमति को अनबन का नाम देना ठीक नहीं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो हाई वोल्टेज मुकाबला है उस पर क्या कहा है कप्तान विराट कोहली ने, सुनिए। Nothing different, to be honest. I know it sounds pretty boring, but this is exactly what we feel as cricketers. We're not saying something, you know, different to what we feel. And for us, it's a matter of executing what we know best, regardless of who we are playing against. And I'm sure every team thinks like that. I'm sure all the other teams don't put more price on one game than the other, especially in a tournament like this where you just don't have one tough game, you have all tough games, you know, right through to the finals. तो विराट कोहली कह रहे हैं कि ज्यादा बदलाव या अभी ज्यादा फर्क, ज्यादा असर लग नहीं रहा है। हमारे साथ जीएस विवेक लगातार न्यूज रूम से है। विवेक, ओवर टू यू। विराट कोहली कह रहे हैं कि ज्यादा फर्क, ज्यादा असर नहीं है कि पाकिस्तान के साथ मैच होने जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, और सबसे अहम चीज यही है कि कप्तान विराट कोहली के मन में क्या चल रहा है। संदीप पाटिल हमारे साथ हैं बर्मिंघम से, हमारे संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती और जगविंदर पटियाल दोनों लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले संदीप, आपने सुना अभी कप्तान विराट कोहली को कि वो क्या मान रहे हैं इस मैच से पहले, और जो कोच और उनके बीच में जो बातें चल रही थी वो भी कितनी गलत हैं। इस मैच से पहले अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें विराट कोहली के कॉन्फिडेंस की, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि सारे हमारे जो भारतवासी हैं जिनके मन में इतनी चिंता थी पिछले 2-3 दिन जो खबरें आ रही थी, और ख़ास करके खबरें और जो मीडिया है इन्होंने ये बनाया था, लेकिन अच्छा हुआ कि विराट कोहली ने सारा ख़त्म किया मामला और उनका ध्यान पूरा अभी मैच के ऊपर होना चाहिए। और जैसे कि खबरें आ रही है सब कुछ ठीक है, सब कुछ कुशल मंगल है, और हम यही चाहते थे इतने बड़े मैच से पहले। जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती भी हैं बर्मिंघम से। कुंतल, आप बताइए, वहाँ पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे विराट के साथ, आपने टीम इंडिया के नेट्स में भी देखा, पाकिस्तान के नेट्स को भी आपने देखा, बताइए वहाँ से क्या है लेटेस्ट अपडेट? मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ कि असहमति जो है वो इसके मतलब रिफ्ट नहीं है, दोनों में बिल्कुल मतलब बहुत सारा मुद्दा ऐसा होता है जिसमें दोनों सहमत नहीं है, लेकिन इसके मतलब रिफ्ट नहीं है, वो साफ हो गया है।
मैंने पिछले दो दिन में चार बार ऐसा देखा कि विराट कोहली और अनिल कुंबले एक ही फ्रेम में और एक ही फ्रेम में एकदम नॉर्मल नजर आ रहा है। दोनों ही प्रोफेशनल है, दोनों को पता है कि किस तरह का मतलब क्या करना है इतने बड़े मैच से पहले, और वैसा ही हुआ आज भी। जब कुछ ही देर पहले आपको बता दूं, दोनों एक साथ पिच का मुआयना करने गया और एक साथ जाते ही तुरंत दोनों चले गए पिच पर और जाके देखा पिच किस तरह का है। इससे पहले जो हुआ पाकिस्तान की प्रैक्टिस सेशंस में मैंने देखा, पाकिस्तान के जो गेंदबाज हैं उनको अजहर महमूद तीन स्पॉट तीन मार्क कर दिया 22 गज में, एक शॉर्ट पिच, एक शॉर्ट ऑफ लेंथ और एक गुड लेंथ, और बार बार गेंदबाजों को कहा कि आप शॉर्ट पिच या फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ में हिट करो, और उनको बार बार मना कर रहे थे। बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पर विराट कोहली और कोच कुंबले के बीच, और पूरी तैयारियां हो चुकी है। तैयारियां यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज रूम पे, विराट कोहली, युवराज सिंह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, महेंद्र सिंह धोनी, सब आपके सामने है। पूरे न्यूज रूम जो है सच चुका है टीम इंडिया और पाकिस्तान के इस बड़े मुकाबले से पहले। उसी तरीके से हमारे साथ बर्मिंघम से हैं जगविंदर पटियाल। जगविंदर, ये बताइए जिस तरीके से एबीपी न्यूज़ यहाँ पर पूरा सजा हुआ है, आप वहीं बर्मिंघम में हैं और सुना है कि मैच पूरा सोल्ड आउट है, कैसा माहौल है वहाँ पर फैंस पे और क्या कुछ चल रहा है बर्मिंघम मैच से पहले? देखिए विवेक, ना सिर्फ भारत से बल्कि भारतवासी और क्रिकेट को चाहने वाले जहां भी देश दुनिया के जिस भी कोने में रहते हैं वहां से यहां पहुंचे हैं। मेरे साथ जो लोग हैं ये मुंबई से आए हैं, ये सक्सेना दंपति आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पोलैंड से आए हैं, इनसे मैं बात करूंगा क्योंकि सबसे महंगा टिकट इन्होंने ही खरीदा है महीना पहले, और ये आयरलैंड से आए हैं, भारतवासी हैं लेकिन राजस्थान के रहने वाले। सबसे पहले बात उनकी, जिन्होंने भारत पाकिस्तान का एक टिकट जो है वो £500 खरीदा। सक्सेना साहब, कैसे मिला आपको ये टिकट और क्यों आप इस मैच को देखने के लिए दोनों आना चाहते थे पोलैंड से? ये तो काफ़ी सालों बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच है, दूसरा ये बहुत ही इलेक्ट्रिफाइंग मैच होगा होपफुली। मैं वैसे ज़्यादा क्रिकेट को फॉलो नहीं करता लेकिन हाँ, 6 साल से बाहर रह के हिंदुस्तान का मैच देखना बहुत मज़ा रखता था। ये क्रिकेट को फॉलो नहीं करते लेकिन जब इन्होंने £500 का एक टिकट लिया तो आपने कहा नहीं कि £1000 के ऊपर बात कर रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आई एम हियर रूटिंग फॉर द ब्लू टीम, सो बिल्कुल सही ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहले कभी देखा है इस तरह का मैच आपने या भारत और पाकिस्तान को कभी एक साथ खेलते? जी जी, इंडिया में देखा है और काफ़ी साल पहले, पर जब सुनील गावस्कर वाली टीम थी। बहुत पहले की बात, बहुत पहले की बात कर रहे हो। तब जी जगविंदर का टिकट भी नहीं लिया होगा? नहीं नहीं, तब तो मेरे फादर DDCA में थे तो बहुत अच्छी टिकट हमें मिलती थी। और ये देखिए देखिए विवेक, ये मुंबई से आए हुए हैं आप, कितने लोग यहाँ पहुंचे हैं और कब तक रहेंगे? क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के मुकाबले स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है अगर बैटिंग लाइनअप देखें तो? यस, वी आर फ्रॉम मुंबई, हम लोग 4 लोग हैं। यस, दिस इज द बेस्ट टीम विच इंडिया इज हैविंग, विराट कोहली लीडिंग द टीम, बेस्ट बॉलर्स, बेस्ट फील्डर्स, आई थिंक सो विल टेक द कप बाय ओनली पाकिस्तान, लेकिन एक कप ही जीत के जाएंगे हम इस बार तो। लेकिन ये विवेक, आयरलैंड से जो आए हुए हैं जुरानी साहब, इनकी राय अलग है, इनको लगता है कि नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान से, क्यों? दीपक जी, आपको इस तरह से लगता है पाकिस्तान से भारत को नहीं खेलना चाहिए? देखिए सर, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जी हाँ, बिल्कुल टीम इंडिया के पास सबसे ज्यादा सपोर्ट है बर्मिंघम में। वैसे संदीप, अभी जब ये बात हो रही तो संदीप ने कहा कि £500 जिन्होंने टिकट खरीदा है उतना उनका पूरा का पूरा टिकट का अलाउंस, पूरे टूर का अलाउंस होता था। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की। आपने कहावत जरूर सुना होगा कि जिस स्कूल के आप स्टूडेंट हैं उसका मैं हेडमास्टर रह चुका हूं। ये बात दरअसल विराट कोहली कह रहे हैं पाकिस्तान टीम को, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अलग अलग प्लान बनाने की कोशिशें कर रही हैं कि ताकि कल वो विराट कोहली को आउट कर सके। हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा लेकिन फिर भी एक नज़र डाल के देख लेते हैं कि पाकिस्तान आखिरकार प्लान बना क्या रहा है। पाकिस्तान का पेपर लीक, पाक के षड्यंत्र की निशानदेही, पाकिस्तान के चक्रव्यूह का पर्दाफाश हो गया है। कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में पाकिस्तान के प्लान का खुलासा हो गया है। ये बर्मिंघम में पाकिस्तानी खेमे की तस्वीरें हैं जहां पाकिस्तान के खिलाड़ी टीम इंडिया को हराने के लिए प्लान बना रहे हैं। देखिए बिल्कुल, हमने प्लान एग्जीक्यूट किया है, उनकी सारी इस वीडियो क्लिप्स वगैरह देखी है, और जहां तक आपने बात की, बिल्कुल नो डाउट उनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो ऑन द पेपर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमारे पास ये बड़े जबरदस्त बॉलर है। जिस तरह मिक्की ने बताया कि हमारे पास सारी वैरायटी है, लेफ्ट आर्म पेसर भी है, लेफ्ट आर्म क्विक बीच में भी है, बीच में हसन अली हमारे पास है, तो ऑप्शन हमारे पास पूछे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि बेस्ट अवेलेबल बॉलिंग ऑप्शन लेके जाएं और उनको आउट करें।
यहाँ पाकिस्तान के गेंदबाज बीच पिच पर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन पिच पर जरा गौर से नजर डालिए, पिच पर आपको स्पॉट यानी कि निशान नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, एक, दो और तीन। ये सफेद रंग के निशान भारतीय बल्लेबाजों को पंजे में फंसाने के लिए बनाए गए हैं। तेज गेंदबाज पहले दो स्पॉट पर गेंद फेंकने की कोशिश करते नजर आए। तेज गेंदबाज शॉर्ट पिच और गुड लेंथ पर गेंदबाजी की कोशिश कर रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को पुल और हुक शॉट खेलने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। वो शॉर्ट पिच गेंद से भारतीय बल्लेबाजों को डराने की कोशिश में है। वही तीसरा स्पॉट जो विकेट के काफी नजदीक है, उस पर पाकिस्तान के स्पिनर गेंद फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्पॉट इसलिए ताकि भारतीय बल्लेबाज स्पिनर को लॉफ्टेड शॉट मारने की कोशिश करें। हवा में गेंद रहेगी तो भारतीय बल्लेबाज के आउट होने का चांस ज्यादा होगा, लेकिन भारतीय बल्लेबाज भी इस तरह के हर चक्रव्यूह को तोड़ने में माहिर है और इसके लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं। टीम इंडिया को बताया कि पाकिस्तान जीत के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन ये मैच रणनीति से ज्यादा दिमाग का होगा और जो दबाव में बेहतर क्रिकेट खेलेगा जीत उसी की होगी। पाकिस्तान का पेपर लीक हो चुका है, संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, क्या लगता है आपको, ये सब चीजें काम आएंगी कल विराट कोहली के सामने? विवेक, ये सारी चीजें जो हम सुन रहे हैं ये कोई मेरे लिए नहीं है, और हर कप्तान माइंड गेम खेलता है मैच से पहले, खास करके जैसे हमने विराट को पहले अभी सुना, अभी पाकिस्तान के कप्तान जो कह रहे थे और जो कुंतल ने हमें जो प्रैक्टिस दिखाई, ये जो टारगेट प्रैक्टिस होती है, तो ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी गेंदबाज या पाकिस्तानी टीम ये कर दी, हमारी टीम, हम जैसे हमने इससे पहले बात की कि किस प्रकार की नेट प्रैक्टिस होनी चाहिए, किस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए, कैसा दबाव डाला जा सकता है, कैसे माइंड गेम्स खेले जा सकते हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक रोज की बात है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर भारत पाकिस्तान की महा कवरेज। हमारे साथ बर्मिंघम से लगातार बने हुए हैं कुंतल चक्रवर्ती और जगविंदर पटियाल। जगविंदर, ये बताइए कि आप तो टीम होटल में ही हैं, कैसा माहौल है टीम होटल में, प्लेयर्स के बीच में क्या चल रहा है इस मैच से पहले? देखिए, प्लेयर बड़े लाइट मूड में है। आज का ब्रेकफास्ट हमारा तकरीबन उनके साथ ही हुआ, हमने देखा महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, विराट कोहली सब कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। दूसरा, मैं एक बात करूं आपको कि अगर पाकिस्तान की टीम को हम देखें तो तकरीबन आधी टीम नई लग रही है। शहरयार साहब से भी मेरी बात हुई, वो भी हमारे होटल में ही रुके हुए हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं अफरीदी की एक स्टेटमेंट भी आई है, उनको भी ये लगता है कि भारतीय टीम काफी मजबूत है। क्योंकि अगर नए खिलाड़ियों की बात करें पाकिस्तान के, तो हमारे बिल्कुल पाकिस्तान के पास बिल्कुल नए से नए खिलाड़ियां हैं, लेकिन कुंतल चक्रवर्ती भी हमारे साथ बने हुए हैं बर्मिंघम से। कुंतल, आप आज टीम इंडिया के नेट्स पे थे, क्या ऐसा खास देखा आपने टीम इंडिया के नेट्स इस बड़े मुकाबले से पहले? सबसे मुझे जो खास लगा, भारतीय टीम कॉन्फिडेंट है इस महा मुकाबले में। क्या होता है, रणनीति से भी ज्यादा ये हो जाता है कि दबाव में आप अगर अच्छा क्रिकेट खेल लेते हो तो वो मैटर कर जाता है इस महा मुकाबले में, नर्व्स को कैसे आप होल्ड कर सकते हो। भारत आर्मी भी पहुंच गया, ये आपको बता देते हैं, ब्रिटेन के कोने कोने से भारत आर्मी पहुंच गया है यहाँ बर्मिंघम में। क्या लगता है कि जीत हमारी यहाँ टीम इंडिया की हो रही है? जितने ही पड़ेगा, जितने होंगे। आपको क्या लगता है, कितना कॉन्फिडेंट है आप? बहुत कॉन्फिडेंट हूं मैं, 100% डेफिनेटली। जी बिल्कुल कुंतल, बर्मिंघम में भारत आर्मी आ चुकी है, यहां पर पूरे इंडिया में फैंस बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के इस महा मुकाबले के लिए। सबसे पहले इस मैच से जुड़ी अहम बातों के लिए चलते हैं अमन के पास। शुक्रिया विवेक, क्योंकि 19.5 घंटे का वक्त अभी बाकी रह गया है और 19.5 घंटे बाद इंतजार की घड़ियां खत्म होगी और भारत और पाकिस्तान का महा मुकाबला होने जा रहा है कल 3 बजे, दोपहर 3 बजे बर्मिंघम में यह महामुकाबला होगा भारत और पाकिस्तान की टक्कर। कल के मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि बर्मिंघम में कल भी बारिश हुई थी और इसी वजह से कहा जा रहा है कि टॉस कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान, यह बहुत अहम साबित होगा क्योंकि बारिश का साया है। इस हिसाब से टॉस बहुत अहम साबित होने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक 3 बार भिड़ंत हो चुकी है भारत और पाकिस्तान की,
जिसमें से दो बार पाकिस्तान ने भारत को हराया था 2004-2009 में, लेकिन 2013 में चैंपियंस टीम बनी थी टीम इंडिया और टीम इंडिया ने पाकिस्तान को मात दी थी 2013 में। वनडे में अब तक कुल मिलाकर 127 बार भारत और पाकिस्तान भिड़े हैं, 51 बार भारत जीता है, लेकिन मौजूदा चैंपियन टीम इंडिया है। कोहली ने कुंबले के साथ पिच देखी है, मिलकर पिच का मुआयना किया क्योंकि अनबन की खबरें थी। कुछ देर पहले मीडिया से भी उन्होंने बात की, कहा कि असहमति हो सकती है लेकिन इसको अनबन का नाम देना ठीक नहीं है, सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, सच्चाई कुछ भी नहीं है इसमें। टीम के सभी खिलाड़ी पूरी तरह से फिट है, पिच देखने के बाद टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये मैं पिच देखने के बाद ही फैसला करूंगा। विवेक जी हाँ बिल्कुल अमन, सबसे अच्छी बात ये कि सब कुछ ठीक है, टीम इंडिया में सारे प्लेयर्स फिट हैं, और सबसे अहम बात ये कि कोच अनिल कुंबले और कप्तान विराट कोहली में कोई अनबन नहीं है, दोनों ने साथ में पिच का मुआयना भी किया। आइए दिखाते हैं आपको वो तस्वीरें। जी हाँ, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस की तस्वीरें हैं, ये अजिंक्य रहाणे हैं, कोच अनिल कुंबले हैं, कप्तान विराट कोहली, ये नेट्स के विजुअल्स आप देख रहे हैं। यहाँ पर हल्की सी बारिश जरूर हो रही है प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं विराट कोहली और कोच अनिल कुंबले के बीच में, काफ़ी अच्छी बातचीत भी, और दोनों ने जो है पिच का मुआयना भी किया। लेकिन जितना कॉन्फिडेंट टीम इंडिया यहाँ नज़र आ रहा है, शायद उतना कॉन्फिडेंट पाकिस्तान नहीं है, यानी कि ये भी कहना सही है कि शायद पाकिस्तान की टीम में खलबली मची हुई है। कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले पाकिस्तान के खेमे में खलबली। पाकिस्तान इंडिया मैचेस जो है वो एक्शन से भी ज्यादा। टीम इंडिया की ताकत देखकर पाकिस्तान को आ रहा है पसीना। बर्मिंघम में ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें पाकिस्तान के होटल मीटिंग रूम की हैं, जिसमें भारत के साथ मुकाबले से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान अपनी टीम की हौसला अफजाई कर रहे हैं। साहब ने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि पाकिस्तान इंडिया मैचेस जो हैं वो एशेज से भी ज्यादा उनकी कदर होती है पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। अपने खिलाड़ियों को ढांढस बंधाते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष की कांपती आवाज बता रही है कि उनकी टीम पर कितना दबाव है, और हो भी क्यों ना, सामने सबसे मजबूत टीम हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान में हमने देखा कि उनकी पब्लिक से हमारी टीम को कितनी जबरदस्त वेलकम मिली। भारत पाकिस्तान के महामुकाबले में एक गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही टीम के कप्तान पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन टीम की चाल, टीम के आंकड़े और टीम की ताकत बता रही है कि टीम इंडिया पाकिस्तान पर सवा शेर साबित होगी। टीम इंडिया पाकिस्तान पर भारी साबित होगी। टीम इंडिया में रन बरसाने की जिम्मेदारी इन कंधों पर है। रोहित शर्मा 150 से ज्यादा वनडे मैच खेल चुके हैं, शिखर धवन 76 मैचों में 3000 से ज्यादा रन ठोक चुके हैं, दोनों पर टीम इंडिया को शानदार ओपनिंग देने की जिम्मेदारी है। वनडे में 27 शतक लगाने वाले कोहली के लिए पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। मिडिल ऑर्डर में अनुभवी युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान के हर दाव को पस्त करने के लिए मौजूद हैं। आखिरी ओवर में पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए हार्दिक पांड्या और रविंद्र जाडेजा का बल्ला काफी है। दूसरी ओर विराट के गेंदबाजों की ब्रिगेड भी लगातार फॉर्म में है। भुवनेश्वर कुमार, बुमराह पाकिस्तान के लिए B2 मिसाइल साबित होंगे। वहीं उमेश यादव और अश्विन पाकिस्तान के बल्लेबाजों की पिच तले विकेट उखाड़ देंगे।
दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम पर नजर डालें तो उसमें अनुभव की कमी साफ दिखती है। ज्यादातर खिलाड़ी युवा हैं और उन्हें टीम इंडिया के खिलाफ खेलने का अनुभव नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की टीम में शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज और कप्तान सरफराज अहमद जैसे बल्लेबाज हैं। सरफराज जो हैं वो अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनको कप्तान बने हुए अभी 6 से 7 महीने हुए हैं, तो 6 से 7 महीने में अब वो बिल्कुल मैच्योर होते जा रहे हैं। वो पीएस पाकिस्तान मेरे मुंह में अपने लव्स पाकिस्तान एक बैंगन की तरह है और भारत भरता बनाएगा। वही पाकिस्तान के गेंदबाजों में जुनैद खान, हसन अली और मोहम्मद आमिर से टीम इंडिया के बल्लेबाजों को सावधान रहना है। अगर मैच में मौका मिल जाता है तो सिर्फ मैं नहीं, हर बॉलर की यही कोशिश होगी कि उनकी जो बैट्समैन है उनको जल्दी से जल्दी आउट कर ले और उनके 10 बैट्समैन को आउट कर ले। फिलहाल मैदान और कागजों पर टीम इंडिया का पलड़ा भारी है और एक बात तय है कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत के हाथों पिटने वाला है। जितनी भी कोशिश कर ले पाकिस्तान, लेकिन एक बात साफ है, डरा हुआ है पाकिस्तान। संदीप, कभी भी टीम इंडिया को ऐसे पेप टॉक की जरूरत नहीं पड़ी, ये बात अपने आप में क्या बताता है पाकिस्तान टीम के बारे में? नहीं विवेक, दोनों तरफ से पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन पहली बार मैंने देखा जब भारत पाकिस्तान भिड़े है तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है, बोर्ड प्रेसिडेंट है क्रिकेट के, वो जाके पेप टॉक दे रहे हैं। इसका साफ मतलब निकलता है कि कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। और देखिए, ये जो खेल है ये सिर्फ बैट और बॉल का नहीं है, ये खेल है ना सिर्फ शारीरिक तंदुरुस्ती का लेकिन मानसिक तंदुरुस्ती का भी, और वहाँ पे भारत डेफिनेटली बाजी मारता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस की बारिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें होती है जो अपने हाथ में होती है लेकिन बारिश एक ऐसी चीज़ है जो अपने हाथ में नहीं है। जी हाँ, सबको डर इसी बात का है क्योंकि बारिश का साया मंडरा रहा है भारत पाकिस्तान के मैच से पहले। भारत बनाम पाकिस्तान मैच में काफी अहम हो सकता है टॉस, क्योंकि आपको बता दूं मैच के दौरान बारिश होने की संभावना है और लोकल जो मेट डिपार्टमेंट है वहां से कहा गया है कि करीब करीब 70% संभावना है बारिश होने की। और आपको बता दूं कि इंग्लैंड में समर के मौसम में बारिश जो यहाँ होती है वो ऐसा है कि यूं आई और यूं गई, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश देर तक रुकती है, तो किसी को पता नहीं कि बारिश कितनी देर तक रुक सकती है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के टारगेट देने के बाद अगर बारिश हुई तो डकवर्थ लुईस नियम के तहत बाद में खेलने वाली टीम को नया टारगेट मिलता है, और अगर मैच छोटा हुआ तो बाद में बल्लेबाजी करने वालों को फायदा मिल जाता है। दोनों ही कप्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा अगर वो पहले बल्लेबाजी करें, क्योंकि मैच के दौरान डकवर्थ लुईस सामने आ सकता है, और मैच अगर छोटा हो गया तो अगर रिवाइज टारगेट दिया गया तो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा यहां मिल सकती है। पाकिस्तान के बाद भारत को श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका से मैच खेलना है। बारिश होने पर पाकिस्तान के साथ भारत को एक नंबर बांटना पड़ेगा और फिर भारत को श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका का मैच जीतना ही पड़ेगा। सीरीज में एक भी मैच हारने का मतलब है सेमीफाइनल के टिकट पर संकट। फिलहाल टीम इंडिया इंडोर प्रैक्टिस कर रही है और पसीना बहा रही है, लेकिन बारिश का पानी कहीं पसीने को वक्त से पहले ही न धो दे। बर्मिंघम से कुंतल चक्रवर्ती की रिपोर्ट। ये है ABP News, आपको रखे आगे।